अश्व निकालो हमारा, पकड़ो उसे। बार तो यहां शेष हो गया, कहां लुप्त हो गया वो सखावीर। हुकुम, हमें लगता है वो लड़का मार्ग में आने वाले संकरे रास्ते से कहीं सीमा चौकी की ओर तो नहीं निकल गया। सीमा चौकी, शीघ्र चलो। सुखवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखवीर, आप हम सबके लिए वरदान हैं। रुको सुखवीर, इस बार तो आपने हमें बचा लिया, पर निश्चित रूप से ही सुल्तान सिंह हमारे और हमारे मित्रों के पीछे आएगा। ऐसे में जब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, तब हम आपको कैसे बुलाएं सखावीर? आपने हमें सखावीर नाम दिया है, इसके प्रत्युत्तर में हमें भी आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या बात है जलाल, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप, कोई बुरा पैगाम आया है? बूंदी से हमारे एक जासूस ने वहां के हालिया वाकयात भेजे थे। एक नया नाम आया है, सखावीर। ये उस शख्स का नाम है जिसने बूंदी में हंगामा मचा रखा है। क्या माने हो सकते हैं इस लफ्ज के, सखावीर? जलाल, हिंदू लोग अपने एक पैगंबर कृष्ण को गरीब रियाया का दोस्त मानते हैं। हो सकता है ये लफ्ज सखावीर उसी तरफ इशारा कर रहा हो। हमें लगता है कि वहाँ कोई बड़े दिलचस्प तरीके से ना उम्मीद रियाया के जहन में उम्मीदों के ख्वाब पूरे कर रहा है। हमारा शक अब और भी यकीन में तब्दील होता जा रहा है कि प्रताप ही सखावीर है। बस एक बार खान बाबा बूंदी पहुंच जाए तो वे इस मौके को एक तीर से दो शिकार का मौका बना लेंगे। एक तीर से दो शिकार? जी अम्मी, अगर हमने बूंदी में उस बागी सखावीर को मार दिया तो मान लीजिए कि हमने मेवाड़ के शहजादे प्रताप को मार दिया। अरे कुछ नहीं पन्ना दाई, हम तो बस थोड़ा हास्य परिहास कर रहे थे इस डरपोक प्रताप से। ये तो गली में भी चूहे के भांति सहम सहम के चलता है। अब ये क्या बात हुई पन्ना दाई, जिस प्रकार कृष्णा अचानक पीछे से आकर हम पर चिल्लाई, अब ऐसे में तो कोई भी भयभीत हो सकता है। तुम क्या सचमुच भयभीत हो गए थे? बहुत ज्यादा भयभीत पन्ना दाई। चलो आ जाओ हमारे साथ भीतर आओ। हाँ हाँ, तुम तो भीतर ही सुरक्षित हो। चलो चलो पन्ना दाई, हम है ना, हम घर का पूरा काम करेंगे और फिर भोजन भी बना देंगे और सफाई भी कर देंगे पन्ना दाई। बस प्रताप बस। रानी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पन्ना दाई नहीं जानती है।
हम सब जानते हैं सखावीर, जिन्होंने हमारे पूरे वंश को बचाया है, क्या वे आपको नहीं पहचानेंगे? बल्कि इन्होंने हमें आपको हमारे सारे वजनों से मुक्त कराने का साहस दिया है। अन्नदाई, हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें? नहीं प्रताप, इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप बूंदी की प्रजा के लिए स्थितियां थोड़ी सुधार दें, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम आपको वचन देते हैं पन्नादाई, कि उस दुष्ट राव सुल्तान सिंह के अत्याचारों से बूंदी को मुक्त कराने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम जानते हैं प्रताप, वचन निभाने की परंपरा आपके रक्त में ही है, और इस समय आपके रानी माँ का सुल्तान सिंह के सैनिकों की दृष्टि से बचकर सुरक्षित तलहटी पहुंचना आवश्यक है। यहाँ रहना उनकी सुरक्षा और मान के लिए सही नहीं। हम बूंदी की सीमा तक आपके साथ चलेंगे, फिर वहां से वापस आ जाएंगे। पर पढ़ना गाई, हमने अभी अभी उस दुष्ट को पाठ पढ़ाया है, आपको बताइए ना, हम स्वयं का ध्यान रख लेंगे। चुप रहिए, इतने बड़े हो गए हैं आप, हम आपके लिए नहीं आपकी रानी माँ की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बस हमें अपने संतोष के लिए आने दीजिए सीमा को। रुक जाओ, नहीं, मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह की सवारी निकल रही है। मेवाड़नाथ की जय, 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 हमारे राजी राज है। रानी माँ, हम अपने ही राजी राज से छिपे क्यों? आप यहाँ से जाइए और हमारे लिए जल की व्यवस्था कीजिए। रहा आपका प्रश्न, तो उसका उत्तर हम उचित समय आने पर देंगे। हम अभी आते हैं। किंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे महारानी से। हमें आभास तो था ही कि आपके और उदय बाउजीराज के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, किंतु ऐसी स्थितियां कि आपको अपने पति से ही छुपना पड़े, ऐसा क्या अनुचित हो गया है आपसे महारानी साहब? बताइए। हम आपसे क्षमा चाहते हैं पन्नादाई, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम सचमुच विवश हैं। किंतु हम विवश नहीं हैं, हम उनसे ही पूछेंगे जो हमें कभी मना नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतने सारे दिन थे तुम लोगों के पास दीपावली के पहले, कर लेती तब साथ सज्जा। तुम सब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? हम चाहते हैं कि महल का कोना कोना दमकने लगे, विशेष रूप से महल का मंदिर, जहां पहली बार हम राणा जी के साथ बैठकर लक्ष्मी पूजन करेंगे। भाई जी, हमें लगता है कि आप दीपावली पूजन को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इस बार का दीपावली पूजन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है राणा जी। इस बार पूजन पे हम आपके साथ होंगे, जब आप माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का आह्वान करेंगे हमारे लिए, इस राजमहल के लिए, हमारे पुत्र के लिए और समस्त मेवाड़ के लिए। हाँ हाँ राणा जी, समस्त मेवाड़ के लिए भी। कुंवर जगमाल आ गए हैं ना राणा जी, अब हमें पूरा विश्वास है
कि मेवाड़ की सुख समृद्धि का पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए अभी से रात सिंहासन पर चढ़ना चाहते हैं। आपको अभी से सिंहासन पर बैठना है जनरल। ध्यान रखिए कि ये प्रश्न आप किससे पूछ रहे उदय बाजीराज। कौन है? इतने वर्षों से किसी ने अपने मुंह से हमें इस तरह से संबोधित नहीं किया। सामने आइए। इतने वर्षों में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता होगा दाई मां जब हमने आपको याद नहीं किया। दाई मां आप स्वयं क्यों आ गए? हमें संदेशा भिजवा दिया होता हम आ जाते आपसे मिलने के लिए। वीर भाई जी, सभी दासियों से कहिए कि पूरे महल में घी के दिए जलाए जाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं, पूरे मेवाड़ को सजाया जाए। इतने वर्षों बाद हमारी दाई मां हमारे पास आई है हमसे मिलने। आज तो हमारी आज यदि हमने आज अपने मेवाड़ में प्रवेश न करने की शपथ को तोड़ा है तो इसका श्रेय आप ही को जाता है उदय बाजीराज। भाई मां, हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? व्यर्थ के प्रश्न पूछने में अपना समय व्यतीत मत कीजिए उदय बाहुजीराज। हमें बताइए वो कौन है जिसने जीवन के हर पग पर आपका साथ निभाया? हमें उत्तर दीजिए उदय बाहुजीराज। जयवंत भाई जी, किसे आपने नैतिकता का आदर्श समझा? अपने अंतर आत्मा का स्वर माना? इसने बार बार आपको विवाह मंडप में दिए वचनों को जीकर दिखाया? आपको आपका उत्तराधिकारी किसने दिया? और ऐसा सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी जिस पर सारा मेवाड़ गर्व कर सके? वो कौन है जो सचमुच आपके हृदय के इतने निकट है कि जिसके बिना सहजता से जीना आपके लिए संभव नहीं? आप अपनी आंखों में झांक कर देखिए उदय बाजीराज। ये जो सर्वसाधारण के लिए मुस्कान मुख पर लिए घूम रहे हैं ना आप, इस मुस्कान का चिन्ह भी नहीं मिलेगा आपको अपनी आंखों में। जिसे आप सुख कह रहे हैं, क्या यह आपका सच्चा सुख है? नहीं, आपके सच्चे सुख का स्रोत आपकी पत्नी और आपका पुत्र तलहटी में जीवन बिता रहे हैं। मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह की सवारी निकल रही है।
रानी माँ, दीपावली पर हमारा मित्र दूधा उस राव सुल्तान सिंह के कारावास में रहेगा। ये सोच सोच कर ही हमारा मन विचलित हो रहा है। चिंता की बात तो है, इसके लिए हमें आपके दाजीराज से बात करनी होगी। क्या रानी माँ, आप दाजीराज से बात करेंगी? सच रानी माँ? किस लिए? अभी अभी तो आपने स्वयं कहा कि आप दाजीराज से बात करेंगी। हमने कब कहा ऐसे? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने कुछ और कहा होगा। आप ये दिए बाहर रख दीजिए, ठीक से सूखेंगे तभी तो सांझ तक जलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम जानते हैं रानी माँ कि दीपावली पर आपको दाजीराज की कब्र कितनी खल रही है, हम जानते हैं। पन्ना दाई, जो कुछ भी हुआ है उसमें राणा जी का कोई अपराध नहीं। इसके लिए तो स्वयं जयवंता जीजा ने कुंवर प्रताप का भावी राज्य अभिषेक रोकने के लिए राणा जी को विवश किया था। धीर भाई जी, इसमें मत पड़िए। सुनकर अच्छा लगा कि आज में हमें वो अधिकार है जो हम आपसे बिना किसी व्यवधान से बात कर सकते हैं। धीर भाई जी के बीच में बोलने के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परंतु उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच है। भाई मां, जयवंता बाई जी ने स्वयं कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रोककर बहुत बड़ी भूल की। हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें। हम चुप रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर वो एक पग और आगे बढ़ गए। कुंवर प्रताप के साथ रहने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दी, हमें छोड़ दी। पत्नी धर्म को हम एक बार भूल भी जाए, परंतु क्या ये सब करके उन्होंने एक मां का कर्तव्य निभाया? मेवाड़ की महारानी का कर्तव्य निभाया? नहीं था मां, नहीं। या आपने उनसे एक बार भी पूछा कि उन्होंने ऐसे कठोर निर्णय क्यों लिए? पूछा आपने कारण उनसे? धाई मां, हमने एक बार नहीं, उनसे बार बार पूछा, कई बार पूछा, परंतु उन्होंने हमें कोई उत्तर नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा। बल्कि एक ही झटके में उन्होंने हमारे स्वाभिमान को, हमारे सपनों को, हमारे पुत्र कुंवर प्रताप को हमसे अलग कर दिया। अगर आपको कारण पता है तो आप बता दीजिए। कारण तो हम भी नहीं जानते बाजीराज, किंतु पुरुष प्रवृत्ति को हम अच्छे से जानते हैं। स्त्री के मौन में केवल उन्हें अपराध दिखाई देता है, उसकी विवशता नहीं। यदि आप पुरुष के साथ एक पति भी हैं, तो जाइए तलहटी और निभाइए अपना पति धर्म। ले आइए उन्हें इस महल में वापिस। और रहा प्रश्न उस कारण का जो आप जानना चाहते हैं, तो ये आप ही का काम है। आप पति पत्नी के बीच कोई दूसरा कैसे आ सकता है? बोलिए भौजीराज।